डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, यूँ कहें कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से बहुत सी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो भी इसकी वजह से इफ़ेक्ट करते हैं और डैमेज हो जाते हैं, और शरीर में कमज़ोरी और अन्य कई प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और इसको कंट्रोल किया जा सकता है ज़्यादा डाइट से, और डाइट में हम ऐसी चीज़ें खाएं जिसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम होता है, तो उससे हमारा शुगर लेवल जो वो कंट्रोल में रहता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड शुगर कंट्रोल डायबिटिक आटा, जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इस आटे से बनी अगर रोटियाँ हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे हमारा ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम होता है। और इसके साथ ही साथ इसके बहुत से फायदे हैं, हाई इन प्रोटीन है ये, जिसकी वजह से हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर है और हेल्दी फैट है, और साथ ही साथ ये हमारे वेट लॉस जर्नी अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे कि हम आसानी से अपना वेट लूज कर सकते हैं। वेलकम टू माई चैनल, और मैं हूँ ललिता मन्हास। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन की दाल, और साथ ही कुछ बीज और ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, मूंगफली, सफ़ेद तिल, अलसी या फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड, ड्राई कोकोनट और सनफ्लावर सीड्स, और साथ ही चाहिए ओट्स और किन्वा। ओट्स और किन्वा मैं जनरली इसमें ऐड नहीं करती हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनको रखती हूँ और ऑप्शंस के लिए, कुछ और बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसे सोयाबीन को जो है वो इसको पाउडर फॉर्म में करने के लिए मिक्सी में पीस लेंगे, और अगर आपको लगे कि सिली है थोड़ी सी गर्म तवे पे उसको गर्म कर लीजिए और ठंडा करके फिर पीसिए। इसका कलर चेंज नहीं करना है आपने, और इस तरह से मिक्सी में मैंने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद हम इसे छान लेंगे, अगर आप चाहो तो इसे बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम इसे बिना छाने ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा रोटी आपकी मोटी बनेगी। अगर आप इसे बारीक रोटी बनाना चाहते हैं, पतली रोटी बनाना चाहते हैं, तो इसे छान लीजिए। इस तरह से हम आटे को छान लेंगे, और ये जो थोड़ा सा बच गया है जिसे हम पीस नहीं पाए हैं, थोड़ा सा दलिया टाइप का रह गया है इसमें, तो आप इसे डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हो। मैं इसे क्या करूँगी, छोटी मिक्सी में जा तो आप पीस लीजिए इसे, और साथ में थोड़े से ओट्स मिक्स कर लूँगी तो पीसना आसान हो जाएगा। तो मैं इसको मिक्सी के जार में फिर से डाल देती हूँ, और साथ ही में थोड़े से ओट्स डाल देती हूँ, इसे ओट्स का आटा भी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो हैं वो ओट्स डाल लिए हैं, आप इससे ज़्यादा ले सकते हो अगर आप इसमें आटा मिक्स करना चाहते हो तो। अब इसे पीस लेंगे हम दोबारा से, और इसे मिक्स कर देंगे आटे में। इस बार इसे हम पीस इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो ओट्स होते हैं बहुत आसानी से पाउडर बन जाता है उनका। तो ये तो हो गया हमारा आटा सोयाबीन का। अब बाकी के जो सीड्स हैं उन्हें भी हम इसी तरह से पीस लेंगे, लेकिन उनको पीसने के लिए आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखना होगा कि उसको बहुत ज़्यादा आपने मिक्सी को चलाना नहीं है। जब आप सीड्स को पीसेंगे तो उनको पल्सेस में पीसेंगे, मतलब मिक्सी स्टार्ट करेंगे बंद करेंगे, स्टार्ट करेंगे बंद करेंगे। अगर आप लगातार मिक्सी को चलाते हुए उसे पीसेंगे तो उसका तेल निकल जाएगा, वो बटरी फॉर्म में आ जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसका आटा बनाना है। तो यहाँ पे मैं अंदाजे से ले लेती हूँ ये सीड्स वगैरह भी। तो मैं यहाँ पे थोड़े से बादाम ले लूँगी, और आपको बताने के लिए मैं इनको नाप के दिख बता देती हूँ, अदरवाइज तो मैं ऐसे अंदाजे से ही ले लेती हूँ। तो ये है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, और ये 2 टेबल स्पून। इसी तरह से मूंगफली ले लेते हैं, यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के करीब मूंगफली, और ये कच्ची मूंगफली है। सफ़ेद तिल भी मैंने ले लिए हैं 1.5 टेबल स्पून, और ये फ्लैक्स सीड्स जैसे कि अलसी कहते हैं ये मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये है सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज
ये एक टेबलस्पून लिया है, पम्पकिन सीड्स जो हैं वो 1.5 टीस्पून टेबलस्पून ले लिया है, और कुछ नारियल के टुकड़े जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मैंने बहुत बारीक काटा है, आप अगर चाहें तो इसे थोड़ा मोटा भी काट लेंगे तो बहुत आसानी से पिस जाएगा। इसे कर लेंगे मिक्स। और यहाँ मैंने आधा टेबलस्पून और सनफ्लावर के बीज मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसे पीसेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया पल्सेस में आपको इसको पीसना है, लगातार मिक्सी नहीं चलानी है, नहीं तो इन सीड्स का ऑयल निकल जाएगा। और हमें ऑयल नहीं निकालना है, हमें इसका पाउडर फॉर्म में रखना है, हमें इसको आटे में मिक्स करना है। तो ये देखिए हमने बीज को पीस लिया है, इससे ज़्यादा नहीं मिक्सी चलानी है। और ये इस तरह से जैसे फ्रेश ब्रेड क्रम्स होते हैं उस तरह से टेक्सचर है इसका, और इसे हम छानेंगे नहीं। और आप चाहें तो इसे अगर बना रहे हैं तो इसको अलग से रख लीजिए, अलग बॉटल में रखिए, इसके साथ मिक्स ना करिए। जब आटा गूंदें तो इसको मिक्स कर लें। और मैं यहाँ पे आपको मिक्स करके बता रही हूँ, आप चाहें तो मिक्स करके भी रख सकते हैं, लेकिन अलग रखेंगे क्योंकि सीड्स हैं उनको हमने पीसा है तो वो ख़राब भी हो सकते हैं, तो उसको फ्रिज में स्टोर करिए। और इस तरह से अगर आप ज़्यादा आटा बनाते हैं तो फ्रिज में स्टोर करिए, अगर सीड्स मिक्स कर लेते हैं तो। अदरवाइज़ जो सीड्स का जो पाउडर आपने बनाया है वो खाली वो किसी बॉटल में भर के आप फ्रिज में रखिए, और जब भी यूज़ करना हो तो सोयाबीन के आटे में मिक्स करिए और उसे गूंद कर उसकी रोटी बनाइए। बहुत ही पौष्टिक रोटी बनती है और इससे वेट लॉस भी होता है। और अगर आप इसमें अपना वेट देखना चाहते हैं कि आपका वाकई वेट रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको एक टाइम रखना है और आपको रोज़ ही वेट अपना देखना है, और एक ही टाइम पे देखना है, जैसे कि सुबह उठ गए और सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद तुरंत आपने वेट अपना चेक करना है, और ये डेली करना है। और एक फिक्स टाइम रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिन में हमारा वेट जो है बढ़ता घटता रहता है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो उस टाइम आप प्रॉपरली आपको पता लगेगा कि आपका वेट कितना कम हो रहा है। तो एक ही टाइम रखिए, सुबह उठ के फ्रेश हो के अपना वेट ज़रूर चेक करिए, तो आपको पता लगेगा कि आपका वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरह से बॉटल में या किसी भी बर्तन में आप इसे भर के स्टोर कर लीजिए, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि सीड्स का जो है वो पाउडर वो फ्रिज में रखिए। अब मैं आपको इसको एक रोटी बना के भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसमें ऐड किया है आटा, थोड़ा सा जो हमने बनाया है वो वाला, और थोड़ा गेहूँ का आटा भी मिक्स किया है इसमें। आपको आटा भी मिक्स करना है थोड़ा सा, और आप चाहें तो इसमें व्हीट ब्रेड जो है वो मार्केट से मिल जाता है वो भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको बहुत ही जो हम गेहूं का आटा गूंथते हैं उससे सॉफ्ट बनाना है, क्योंकि हमने इसमें सीड्स डाली हैं जो फूल जाती हैं। तो अगर आप सख्त आटा गूंदेंगे, जब नरम आटा गूंदेंगे जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं गेहूं के आटे से, तो ये हार्ड हो जाएगा। तो उस आटे से जो हम गेहूं का आटा जितना रखते हैं उससे सॉफ्ट रखना है हमें, ताकि ये हार्ड ना हो जाए। तो इसे रख के सॉफ्ट गूंद के हम इसे ढक के रख देंगे, कम से कम 15-20 मिनट तो आपको रखना ही है। अगर आप आधा घंटा रखो तो बहुत बढ़िया बात। तो इसे इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है, और इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो रोटी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं। ये देखिए हमने सॉफ्ट गूंदा है, तो इतना सॉफ्ट हो गया है। और अगर आप इसको इतना सॉफ्ट जितना भी देख रहे हैं गूंदेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए सॉफ्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरह से जैसे नॉर्मल रोटी हम गेहूं की बनाते हैं उसी तरह से आप इस रोटी को भी बनाएंगे। ये देखिए इतनी सॉफ्ट है, और आटा देखिए बिल्कुल जैसे गेहूं की रोटी घूमती है वैसे ही घूम रही है, और पतली भी हो रही है। ना तो इसको बेलने में परेशानी होगी आपको अगर आपने सही से इसका आटा गूंदा होगा, और ना ही इसको पकाने में। और बहुत ही सॉफ्ट और खस्ती रोटी बनके तैयार होती है, और खाने में तो स्वादिष्ट भी होती है। तो बस इस तरह से हम इसे उठा लेंगे, तवा गरम करेंगे। ये देखिए उठाना भी कितना आसान है, आसानी से उठ जा रही है। और इसे तवा गरम करके जैसे आम रोटी हम गेहूं की बनाते हैं उसी तरह से सेकेंगे। एक तरफ से थोड़ी सी सिक जाए तो हम इसे पलटा लेंगे। इस तरह से पलटा लेंगे, देखिए इस साइड से रोटी कम पकी होती है, दूसरी साइड से हम थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे। काले काले से धब्बे जो पड़ जाते हैं रोटी पे वो आ जाएं तो रोटी अच्छी तरह से पक जाती है, अंदर तक कच्ची नहीं रहती है। तो हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे।
और मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ कि कितनी पकी है और कितना और पकाना है आपको। इस तरह से देखिए, ये काले काले से निशान है, थोड़े से और आने चाहिए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो इसे थोड़ी देर और पका लेंगे ताकि हमारी रोटी जो है कच्ची ना रहे, अच्छी तरह से पक जाए और फिर इसे हम पलट लेंगे। अब पलट के हम इसे सेक लेंगे। आप किसी जो रसोई में पूने होते हैं जिसको कहते हैं कपड़ा, उससे कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो पलटे से। और अगर आपका आटा अच्छा गूंदा होगा, रेस्ट दिया होगा, तो इस तरह से रोटी आपकी फूलेगी भी। जैसे आम रोटी फूकती है वैसे रोटी फूली फूली सी बनेगी और ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और पलट के इसे एक बार फिर से सेक लीजिए तो हमारी रोटी बनकर तैयार है। बिल्कुल आसान, जैसे आम रोटी बनती है वैसी ही है, लेकिन खाने में बहुत लाजवाब और आपका शुगर लेवल जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो लीजिए, हमारी रोटी बनके तैयार है। इसे आप घी लगा के खाइए और किसी भी सब्जी, जो भी सब्जी घर में बनी हो उसके साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी खाइए, लेकिन आटा ये रिप्लेस कर देंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको देखिए, इस तरह से फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है ये, और तोड़ के भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये तोड़ने से दो उंगलियों से बहुत ही आसानी से टूट जाती है, बस हल्का सा टच करो और ये इस तरह से टूट गई। तो अगर आप लोग भी इसे फॉलो करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा अगर आपको ये अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब इसको खाती हूँ, इस रोटी को खाती हूँ, तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं। लेकिन इसे भी बहुत ज़्यादा ना खाएं, इसको थोड़ा सा अपनी डाइट में इंक्लूड करें, साथ ही ओट्स जैसे कीनवा, इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करें। थैंक यू।